भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्णदम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेशचंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पर बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयाग राज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां इस पवित्र धरती पर आवा रहे हैं, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी
साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। माताओं बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। जितना लेन देन गांव में होगा उतनी ही उनकी आमदनी भी होगी। इनमें से ज्यादातर बैंक संख्या वो बहने हैं कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है।
ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का आज शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आमदनी भी होगी और गांव के किसानों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गांव की महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए फसल अनाज गांव से ही तो खरीदने वाली है। यही तो सशक्तिकरण के वो प्रयास है जिन्होंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया है। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूहों को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी,
और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में ना छोड़ना पड़े, इस पर भी हमने लगातार काम किया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो या फिर सैनिटरी पैड्स को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, हमारी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं। ये पैसा बड़े होने पर उनके सपनों को पूरा करे, उसके लिए इस पर ब्याज दर भी ऊंची रखी गई है। स्कूल कॉलेज के बाद करियर से लेकर गृह गृहस्थी तक भी हर कदम पर महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही हैं। चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज, पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था, अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं
पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है, जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास। माताओं बहनों, मैं आज आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के गांवों में घरों को जमीनी के ड्रोन से तस्वीर लेकर घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं, गरौनी दी जा रही है। ये गरौनी देने से घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के गांव में योगी जी की सरकार हर घर की मैपिंग कराकर ऐसे ही गरौनी देने का काम पूरा कर लेगी। फिर जो बने हुए घर है उनके कागज में भी घर की महिलाओं का नाम होगा, घर की माताओं का नाम होगा। साथियों, रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठन से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है। माताओं बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी वो हमारी ही सरकार ने हटाई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रैप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को
अत्याचारों से बचाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। आप सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूं, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।